कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पीसीसी चीफ दीपक वैज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी में कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के बसपा दौरे को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जगदलपुर के राजीव भवन में आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 12 विधायक अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रहने वाली है। पीसीसी चीफ दीपक वैज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की रहने वाली है, 12 विधायक अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इसका क्या मकसद है, क्या मोटो है? देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने जा रहा है और दौरे के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जो है अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। और यही कारण है कि कल एक बड़ी सूची जारी की गई थी जिसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और काफी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। अब हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या विषय रहेंगे वो विषय जो है कांग्रेस पार्टी के आला नेता ही बता पाएंगे। फिलहाल आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बिल्कुल, और ऐसे में अलग अलग जगहों पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, क्या उनका समय सेम रहेगा या फिर अलग अलग समय पर की जाएगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, सबका समय जो है वो थोड़ा सा इधर का उधर हो सकता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर प्रेस वार्ता होनी है। अमित शाह के दौरे को लेकर ये होनी है क्योंकि जगदलपुर में सुबह 10 बजे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज शामिल होंगे और गृह मंत्री के बस्तर दौरे पर आक्रामक रूप जो है वो कांग्रेस कहीं न कहीं अख्तियार कर सकती है। तो उसमें कौन कौन से बिंदु होंगे, कौन कौन से विषय होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट हो पाए। बिल्कुल अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका। केंद्र को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, 13 सितंबर